हर वो कामयाब इंसान जो हमारे और आपके बीच काफ़ी फेमस है, वो इसलिए नहीं कि उसने व्यवसाय में बहुत अच्छा किया या बहुत पैसे कमाए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने सरकारी संस्थान में अभूतपूर्व काम किया और लगातार अपनी कंपनी को प्रगति के पथ पर लिए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद कुमार अस्थाना की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें बताइए अपनी कंपनी के बारे में। ये कंपनी नई कंपनी है, ये 2007 में बनी, 6 साल में बने हुए। इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि हम लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, जो हमारी मतलब वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की मिला के जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, इसको कम किया जाए। आइडिया था कि फूड ग्रेन हम बहुत मूव करते हैं, अक्रॉस द कंट्री मूव करते हैं, साल भर मूव करते हैं, बाई ट्रेन करते हैं, इसको हम लोग जो है हैंडल करें और इसका जो है ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग इसको ठीक करें। इसको देखते हुए CWC ने 2002 में वाइट फील्ड में एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके बाद 2007 में ये निर्णय लिया यूनियन कैबिनेट ने कि इसके लिए हम एक अलग जो है कंपनी फॉर्म की जाए। तो कंपनी एक्ट में CRWC का रजिस्ट्रेशन कराया गया और तब से ये कंपनी शुरू हुई। अब हमारे पास टोटल इंडिया में अभी हम लोग 18 टर्मिनल ऑपरेट कर रहे हैं रियल साइड वेयर हाउसिंग के। अच्छा। और हम लोगों की कैपेसिटी जो है 3.2 लाख मेट्रिक टन है और हम लोग जो हैं करीब 10 मिलियन टन गुड्स को हैंडल करते हैं साल भर में। हाँ, हमारे देश की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इसे? ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात मैं कर रहा था, उसको कम करना है तो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वही हम कर रहे हैं कि जहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर सामान आए वहीं पे उसको वेयर हाउस कर दें और वहीं से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो लागत जो लगती है इस काम को करने में वो कम हो जाती है और उसका फ़ायदा फाइल किसको जाएगा? कस्टमर को मिलेगा। इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि सीमेंट है, 4 लोग हैंडल करें, 6 लोग हैंडल कर रहे हैं, इसका पैसा बचेगा, वो सस्ते में बेचेगा, वो ज़्यादा वक्त तक मार्केट में मुहैया करा पाएगा अपने सामान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आइए देखते हैं कंपनी का प्रोफाइल। सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड एक ऐसी सरकारी संस्था है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करती है। CRWC की नींव तो रखी गई थी साल 2002 में, लेकिन 2007 में ये कंपनी पूरी तरह से वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने लगी। CRWC का उद्देश्य देश की प्रगति को जारी रखने के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, यानी देश के हर कोने में माल पहुंचाने की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, चीनी, नमक से लेकर औद्योगिक पदार्थ जैसे फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे पदार्थों को ट्रेन के जरिए देश के हर कोने में मांग के मुताबिक उपलब्ध कराता है। इस संस्था का उद्देश्य है देश के हर कोने में भंडारण की सुविधा देना और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स चार्जेस कम करना। ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है। CRWC इस तरह से वेयरहाउस को डिजाइन करती है कि इसकी कैपेसिटी 3 लाख मीट्रिक टन होती है और एक साल में ये 10 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वेयरहाउसेज हैं जिसमें 7 से 8 गाड़ियों का माल रखा जा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे भी वेयरहाउसेज की सुविधा देता है जहां भंडारण के साथ साथ पैकेजिंग भी की जाती है। सरकारी संस्थाओं के अलावा CRWC 50 से 60% प्राइवेट संस्थानों को भी वेयरहाउस की सुविधा उपलब्ध कराता है। यही नहीं, अपने वेंडर्स को वेयरहाउस में ही वर्क प्लेस भी मुहैया कराता है ताकि वो आसानी से ट्रेडिंग कर अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। किसानों के हित का ख्याल रखते हुए CRWC ने टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसेस, कार्गो एक्सप्रेस, इंटरमीडिएट वेयरहाउसेस जैसी कई सुविधा शुरू की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेल्स के लिए भी वेयरहाउस डेवलप किए हैं। नदी और समंदर के किनारे भी भंडारण की सुविधा शुरू की है।
देश भर में इनके ऑपरेटिंग टर्मिनल्स हैं। CRWC वेयर हाउसेज में अब तक 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और लॉजिस्टिक्स में आधुनिक नजरिए के साथ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन कर रही है CRWC। आपकी रिपोर्टिंग क्या रेलवेज को है या फिर अदर मिनिस्ट्रीज से भी आप चैनलाइज करते हैं, किस तरह से हायरार्की क्या है आपकी? हम लोगों की होल्डिंग कंपनी CRWC है, लेकिन हम लोगों का एक MOU है रेलवे के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ, जिसके अंतर्गत ये हम लोग काम कर रहे हैं जो रेल साइड वेयर हाउस का है। कंपनी की रिपोर्टिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर, जो हमारा मंत्रालय है उसके अंदर आती है, और हम लोग जो हैं अब नॉन रेलवे सेगमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। एक रेलवे सेगमेंट है, मतलब हम लोगों का एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, इसके अंदर हम लोग नॉन रेलवे सेगमेंट में भी इंटर कर रहे हैं, जिसमें रोड बेस्ड वेयर हाउसेज हैं, जो कोल्ड चेन्स हैं, जैसे कि हम लोग फूड्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं उनके लिए, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स बन रहे हैं, वहाँ पर वेयर हाउसिंग है। पोर्ट्स में हमने बताया आपको है, इसको हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं, पोर्ट्स में और वेयर हाउस बनाने की बात हो रही है, तो इन सब सेगमेंट्स भी खुल रहे हैं इसके साथ साथ। यानी कि सरकार काफ़ी ध्यान अब वेयर हाउसिंग पर दे रही है, भंडारण पर दे रही है, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? पहले क्या था कि हर आदमी अपनी फैक्ट्री का अपना वेयर हाउस बनाता था, जैसे हम सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, वो सबके अपने अपने वेयर हाउस हुआ करते थे। अब ये हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल हाउस बने, तो ये बात समझ में आई कि हर आदमी अलग अलग वेयर हाउस क्यों बनाए। तो नाउ वेयर हाउसिंग इज डेवलपिंग एज अ कॉमन फैसिलिटी फॉर ऑल द यूजर्स, सो इट हैज़ बिकम लाइक अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल। और ये आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे रिटेल सेक्टर आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसकी उपयोगिता और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, अगर मान लीजिए मैं आपके कस्टमर हूँ और मुझे वेयर हाउस की ज़रूरत है, तो मैं किस तरह से अप्लाई कर सकती हूँ, क्या क्या सुविधाएँ मुझे उपलब्ध है आपकी कंपनी से? नहीं, वेयर हाउसेज हैं हमारे, सब इंश्योर्ड हैं 100%, तो कोई भी डैमेज हो जाए गुड्स का तो ये 100% इंश्योर। नंबर दो, हम लोग हर वेयर हाउस में 24/7 का काम होता है, मैं 24 घंटे काम होता है, उससे क्या है कि हम लोग सिक्योरिटी जो है वहाँ पे विच इज़ राउंड द क्लॉक एंड वेरी गुड सिक्योरिटी सिस्टम वी हैव गॉट, तो किसी का थेफ्ट ना हो, किसी की चोरी ना हो, किसी का माल उठा के दूसरा आदमी ना ले जाए। हम लोग लेबर शेल्टर बनाए हुए हैं वहाँ पे, कैंटीन दे रखी है, यहाँ शक्कू बस्ती वाले में हम लोगों ने एक डॉक्टर भी लगाया हुआ है, वंस वीक जाता है उनके देखने के लिए, पानी टॉयलेट की सबकी सुविधा तो है ही। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं हमारे, जैसे फर्टिलाइज़र के हैं या सीमेंट के हैं या फूड ग्रेन के हैं या जैसे शुगर के हैं, हम क्या करते हैं, हम इनको ऑफिस में ही अपने ऑफिस में एक वर्क स्टेशन दे देते हैं। आपकी कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस सेक्टर में मैन पावर जो है ना ट्रेन नहीं मिलती है, इस नया सेक्टर है वेयर हाउसिंग, इंडिया में भी डेवलप नहीं हुआ है, तो ट्रेन मैन पावर जिसे कहते हैं स्किल्ड मैन पावर जो है उसकी बहुत कमी है। हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट से टच में भी हैं, जहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इसको लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिस्टम में जो है इसको इसकी भी नॉलेज है वो तो थोड़ी और अच्छी हो। जैसे हमारे वेयर हाउस का मैनेजमेंट है, टर्मिनल मैनेजमेंट है, हम लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको कैसे अकाउंटिंग कैसे किया जाए, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग कैसे किया जाए, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाए, इन सब के लिए बहुत स्किल आदमी चाहिए हमको। 24/7 है, 65 days a year है, नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रेन फॉर दिस इज रिक्वायर्ड, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग टुडे, टू गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जितने भी पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए प्रॉफिट प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन सामाजिक हित जिसे हम कहते हैं वो आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, किस तरह से आपने बैलेंस बनाया या कंपनी सामंजस्य बिठा रही है इन दोनों ही चीज़ों में? ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट ट्रेड वाले उसी एरिया में आते हैं जहाँ के रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होता है, जहाँ रेट ऑफ रिटर्न कम हो या जेस्टेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रॉफिट बहुत दिन बाद आएंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग या प्राइवेट पैसा कम लगाते हैं, बिकॉज उनको फास्ट रिटर्न चाहिए, क्विक रिटर्न चाहिए। PSUs जो हैं, ये हमारी कंपनी जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न लो है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं सारे। जैसे हम एक वेयर हाउस बनाते हैं तो उसमें हमारा 10-15 करोड़ रुपया लगता है, लेकिन वो 30 साल तक चलेगा, 35 साल तक चलेगा, तो उसका रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न स्लोली स्लोली आता है,
और कंपनी जैसे अभी भी हमारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये मैंने इतना मिल चुका है हम लोगों को, तो इसलिए हमारे प्रॉफिट वी ऑलवेज स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द सोशल कॉस्ट, कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट को मना ना करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स को पुश करें। आम लोगों को इस कंपनी से क्या फ़ायदा हो रहा है? इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो है अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो फाइनली कस्टमर को फ़ायदा होगा, चाहे वो जो है जैसे हम लोग कोल्ड चेन में हम लोग इंटर कर रहे हैं और 5 कोल्ड चेन स्टोरेज बना रहे हैं, रेलवे भी सपोर्ट कर रही है, मंत्रालय भी सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, तो इसका फाइनल फ़ायदा जो है फार्मर्स को भी मिलेगा और कस्टमर है मतलब जो खरीदते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको मिलेगा। आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास मेहमान हैं सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद कुमार अस्थाना जी। हम पहुंच चुके हैं उनके ऑफिस और आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं। सीआरडब्ल्यूसी के हम ऑफिस में हैं इस वक्त। और ये किस डिपार्टमेंट में हम? ये जो है हम लोग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग इस समय हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि हम लोग जो हैं वेयर हाउसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो है इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो ऐसा जैसा मैंने बताया कि हमारा जो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, एक वेयर हाउस बनाने की कॉस्ट 10 से 15 करोड़ आती है, विच इज़ क्वाइट, तो उसका पूरी मॉनिटरिंग से खर्चा, उसका एस्टिमेट बनाना, उसको सैंक्शन कराना, टेंडर्स फाइनलाइज करना, ये सब इस सेक्शन में होता है। और आपके ब्रांचेस इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं? हमारे ब्रांचेस जो हैं सिर्फ टर्मिनल्स में हैं, जो हमारे टर्मिनल्स ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ हर जगह टर्मिनल मैनेजर है, हर जगह ऑफिस है उसका, हर जगह उसके पास अकाउंट फैसिलिटी है, कंप्यूटर सेटअप है, वो सब फैसिलिटीज हमारे पास टर्मिनल्स पे दे रखी है। और कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे करीब 65 एम्प्लॉयज काम करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिलोंग करते हैं। ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि कंपनी अब जिस तरह से आगे बढ़ रही है, या आपने कहा कि मंत्रालय की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि वैसा रुझान नहीं मिलता या उस तरह की इंस्पिरेशन नहीं मिलती। नहीं नहीं, हमारे जो है मंत्रालय से हमको पूरा सपोर्ट है जी। हम लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस टाइप की कोई इशू नहीं है और हम लोग का ग्रोथ रेट और कोई हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से नहीं है जी, टोटली कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग इसकी वजह से कोई मतलब डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग में आपने कहा कि प्रॉब्लम नहीं होती है, और जहां डिसीजन मेकिंग लीडर को मिलता है वो फिर अपनी तरह से अपनी सोच के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। आपकी क्या सोच है और क्या आप अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाने की कोशिश करते हैं? हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक तो काम जो है डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, स्लो मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज मनी। और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी कंपनी के साथ? हमारे पास जो है हम लोग पास लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, एचआर है, इंजीनियरिंग है, इस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं हम लोगों को लेते हैं, हम लोग लेते हैं। जैसे ही हम किसी सरकारी संस्थान की बात करते हैं तो एक आम सी धारणा लोगों के जहन में आती है कि हाँ सरकारी नौकरी आराम की नौकरी, आपकी कंपनी इस मामले में कैसी है, कितना रियायत आप बरतते हैं अपने जूनियर्स के साथ? नई कंपनी है, नई सिस्टम्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के, हर एक का एक टारगेट डिफाइंड होता है साल के पहले कि आपको ये काम करना है, उसमें फिजिकल वर्क भी है, फाइनेंशियल वर्क भी है। अच्छा। तो आपको फिजिकल इतना करना है, फाइनेंशियल इतना करना है, वो अचीव करना है, अगर आप नहीं अचीव करेंगे तो आपकी रेटिंग खुद कम हो जाएगी, आप एक्सेलेंट नहीं होंगे, वेरी गुड नहीं होंगे, गुड होंगे तो खुद ही कम हो जाता है, तो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू प्रूव हिज वर्थ। सर कितने वेंडर्स आपके साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए? हमारे पास जो है जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं फर्टिलाइज़र की और सीमेंट की, फूड ग्रेन तो मोस्टली सरकार के पास ही है, एफसीआई के पास ही है फूड ग्रेन तो सारा, और लेकिन सीमेंट और फर्टिलाइज़र की सारी कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बड़े बड़े वेंडर्स में, इसके अलावा शुगर है, सॉल्ट है, उनकी कंपनियां से जुड़ी हुई हैं जी। आपने कहा कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ये एक आपका खास लक्ष्य है इस कंपनी का, वो किस तरह से? वो हमारा जो है कोल्ड चेन में है, जैसे हमने बताया कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इंडिया वर्ल्ड में बहुत ऊपर है, सेकंड नंबर है उसका प्रोडक्शन कंसर्न, और इसमें जो है हम लोग उसको चाहते हैं कोल्ड चेन का वेयर हाउस बनाएँ, कोल्ड स्टोरेज,
रेलवे भी हमको सपोर्ट कर रही है, इसमें लैंड दे रही है, दो जगह लैंड दे रहा है, दानकुनी में और गाज़ियाबाद में, जहाँ हम लोग कोल्ड चेन का वेयरहाउस बना रहे हैं। इसमें मल्टी कमोडिटी, मल्टी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कंट्रोल फैसिलिटीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है दोनों, तो ऐसे हम लोग 5 बनाएंगे और उनको हब स्पोक मॉडल पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हर वेयरहाउस में जो 100 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से प्रोड्यूस आएगा और रख सकता है आदमी, और उसको बाई ट्रेन या बाई रोड ट्रांसपोर्ट कर सकता है उस वेयरहाउस से। तो उसमें जो है किसान को, फार्मर को, प्रोड्यूसर को बहुत फ़ायदा है। आपने बताया कि अगले 12 साल के आपका कॉरपोरेट प्लान जो है वो रेडी हो चुका है, तो क्या क्या लक्ष्य हैं आपके और अगले 5 साल में मैं कहाँ देखती हूँ आपकी कंपनी को? अभी जो है हम तो ये चल रहा है कि हम लोगों के 12 साल का जो कॉर्पोरेट प्लान है उसको हम लोग जो है एनुअल प्लान में ब्रेकअप कर दिया है कि एवरी ईयर का एनुअल प्लान बना लीजिए और उसको जो है डिवाइड करके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बढ़ाइए। तो उसके हिसाब से हम लोग जो हैं कोल्ड चेन के अलावा लॉजिस्टिक पार्क में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, SEZs में, पोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल हब्स में, DFC कॉरिडोर में लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इन सब में हम लोगों के जो है पैसा लगाने का और प्रोजेक्ट चलाने का बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग। बाहर की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आप CRWC को कहाँ देखते हैं? CRWC जो है एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक्स में, जिसमें रेल और वेयरहाउस हमने जोड़े हुए हैं। मतलब जैसे कि अब जैसे ITs में हुआ है कि ITs में इंडियंस का ही नाम है वर्ल्ड में, कहीं भी जब जाइए तो IT का डिपार्टमेंट, वैसे ही होगा लॉजिस्टिक्स में और वेयरहाउसिंग में आप देखेंगी कि जो है इंडियंस का नाम ही होगा। लॉजिस्टिक्स जो है ऐसी फास्ट एक्सपेंडिंग फील्ड है और जिस हिसाब से इंडिया में परिवर्तन आ रहा है, कितने पोर्ट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, रेलवे इंप्रूव हो रही हैं, लॉजिस्टिक्स सब वेयरहाउसेज इंप्रूव हो रहे हैं, बहुत परिवर्तन आने वाला है। 15-20 साल में इंडिया विल बिकम लॉजिस्टिक्स हब ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो जाएगा जी। आइए उनके परिवार से मुलाकात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। थैंक यू। आप मुझे बताएंगे कौन कौन हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल से ये आपके सुपुत्र हैं। मेरे बेटे हैं अभिषेक और मेरी मदर इन लॉ हैं अभिषेक की नानी माँ मिसेस सुषमा छाबड़ा। हमारा छोटा सा परिवार है, हम 3 ही लोग हैं। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगी, यू लॉस्ट योर मदर इन अ वेरी टेंडर एज, लेकिन आपको नानी का साथ हमेशा मिला, लेकिन मम्मी की कमी खली? नॉट एट ऑल, बिकॉज पापा एंड नानी वर सो क्लोज टू मी एंड ऑलवेज आर, एंड दे हैव ऑलवेज बीन देयर, एंड हमेशा उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड कि मुझे कोई ऐसी कमी महसूस ही नहीं। सर, आप मैम के बारे में कुछ बताइए। हम लोग एक साथ थे जब हम लोगों ने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, तो हम लोगों की मसूरी में एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद फिर हम लोगों की शादी हुई। वो IAS में थी गुजरात काडर के, हम रेलवे ट्रैफिक सर्विस में थे। शादी के बाद हम दोनों की पोस्टिंग दिल्ली हो गई और तभी ये पैदा हुए, दिल्ली में ही पैदा हुए थे। उसके बाद जो है हम लोगों का ट्रांसफ़र जो है बड़ौदा हो गया। हम लोग बड़ौदा में वो पोस्टेड थी, तो एक दिन मीटिंग में जा रही थी और मीटिंग में जाके उनका कार का हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई, हेड ऑन कोलिजन हो गया ट्रक के साथ। तो मॉर्निंग में मीटिंग थी उनकी अहमदाबाद में, शी वॉज गोइंग फ्रॉम बड़ौदा टू अहमदाबाद, तो हेड ऑन कोलिजन हुआ, उससे गाड़ी फिर फ्लाईओवर से रोल कर गई नीचे, शी डाइड ऑन द स्पॉट। तब अभिषेक जी 5 साल के थे तब। आपने किस तरह से उनकी कमी को पूरा किया? आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा कि आप घर से घर बसा सकते हैं या कुछ ऐसा, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया? दिस इज नॉट समथिंग विच आपके सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, सब होता रहेगा लाइफ में, एंड लाइफ हैज़ टू गो ऑन। तो और मैंने देखा कि एक अभिषेक जी हैं जिनका साथ रहेगा हम लोगों के साथ, तो इसलिए हमने जो है लाइफ कैसे बढ़ाया। और लाइफ में आफ्टर द एज ऑफ 40 और सो आप देखें तो कितना आपको मिल पाता है सहयोग या क्या हो पाता है, पता थोड़ी रहता है किसी को क्या हो लाइफ में क्या होने वाला है, इसलिए अच्छा वी हैव बीन अ हैप्पी फैमिली। सो अभिषेक, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं करंटली? मैं एक NGO है टीच फॉर इंडिया के नाम से, मैं वहाँ पे एज अ फेलो काम कर रहा हूँ
वेर आई टीच क्लास 3 स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं. हम उनको पढ़ाते हैं एंड आई एम फुल टाइम टीचर देयर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट. अभिषेक, आपने क्या अपने फादर से इम्बाइब किया या क्या वैसी चीज़ें हैं जो खुद उन्हें नहीं पता होता पर आप महसूस करते हैं और आज आप शेयर करना चाहते हैं? द सिंपल वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी और हार्ड वर्क एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन अ सर्टेन गोल. जब आपके आस पास लोग आपको और चीज़ें कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं बट यू स्टेइंग फोकस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, दोज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम. अभिषेक, अपने फादर की कुछ हमें वीकनेसेस बताइए जिसके बिना इनका काम बिल्कुल नहीं चलता. आई थिंक ही इज़ अ टी लवर. ही हैज़ अ लॉट ऑफ टी. अगर उनको अपनी चाय के कप्स नहीं मिले तो ही मतलब उनका मूड खराब हो जाता है. उनको ही नीड्स टू हैव हिज टी ऑन टाइम. हाउ यू स्टार्ट योर डे? नॉर्मली आई स्टार्ट माई डे विथ हैविंग अ ग्लास ऑफ टू ग्लासेस ऑफ वाटर एंड देन आई गेट माई बेड टी एंड देन आई रीड न्यूज़ पेपर्स. हमारे अखबार आते हैं, 3-4 अखबार आते हैं, वो पढ़ के हमारा सुबह का दिन जो है 8-8:30 तक ऐसे चलता है. उसके बाद फिर ऑफिस तैयारी शुरू आती है. जी. मतलब एक्सेप्ट संडे आई गो टू ऑफिस एवरी डे व्हेनेवर आई एम टाउन. और हम करीब 9:30 तक यहाँ से घर से निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद. और उसके बाद जो है लंच हम ले जाते हैं अपना. तो हमारा एक जो बेस्ट फ्रेंड फैमिली का है वो आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए खाना बनाता है? हाँ, बेस्ट फ्रेंड वो हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या, वो सबका है, पूरी फैमिली का है. मतलब वो हमारा ही इज़ लाइक अ गुड, ही इज़ अ सर्वेंट बट अदरवाइज ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू अस. खाने पीने में कुछ खास शौक रखते हैं? ज़्यादा हमको वेजिटेबल सैलड ज़रूर चाहिए, दाल रोटी ज़रूर चाहिए. जैसे हम लोग हैं कि कभी अच्छे स्नैक्स खा लिए, आपको तो पता है लड़कियों का तो शाम को अच्छा कुछ खाया, भाई पिज्ज़ा खाए, नहीं अब खाना नहीं खाना, भाई वो अच्छा था. इनको खाना ज़रूर चाहिए. सर, अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए. हमारे पास पर्जा जब कंपेयर यंगर एज वी यूज टू प्ले हेल ऑफ अ लॉट लाइक बैडमिंटन है, टीटी है, चेस है. अब जो है जब से थोड़ी रिस्पॉन्सिबल ये काम शुरू हो गए हैं कि मतलब जब मैं डायरेक्टर आया सीबीसी में था और जब यहाँ आ गए और तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है. अवार्ड्स मिलते हैं इन्हें तो खुशी बहुत होती होगी आपको? इस जो रिस्पेक्ट से चीज़ मिलती है, सर्विस में पैसा नहीं लेकिन अदरवाइज जो आपकी डिग्निटी होती है वो आपको कितनी अच्छी लगती है. कहीं आप चीफ गेस्ट बनते हो. मेरी डॉटर भी जब शुरू शुरू में बनी, मैं उसके पास गई हुई थी तो वो मुझे साथ लेके गई, तो मैंने कहा कितना उस वक्त अच्छा लगता है. बिजनेस में कितना भी पैसा हो आपको वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता. सर, मैं चाहती हूँ कि आखिर में आप जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनके जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए कुछ कहें कि किस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ला सकते हैं ठीक आपकी तरह. क्या वो मूल मंत्र आप उन्हें देंगे? एक मूल मंत्र जो है जो हम देना चाहेंगे हर एम्प्लॉई को कि एक कॉन्सेप्ट होता ओनरशिप का. यू मस्ट ओन द वर्क दैट यू आर सपोज टू डू इन ऑन योर सीट. चाहे किसी सीट का भी हो, किसी लेवल का आदमी हो, कि आदमी एक अपना ओनरशिप रहे काम की और उसके अंदर इनोवेट करे हर लेवल के ऊपर, चाहे वो छोटा हो चाहे बीच का आदमी हो, तो कंपनी जो है ना बहुत ग्रो कर सकती है. आपकी इस सोच के लिए जो रास्ता आपने हमें बताया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग या फिर नई युवा पीढ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी. और नानी माँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें हमने करी. सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो ये थे श्री विनोद कुमार अस्थाना जी. अगली बार आपकी मुलाकात किसी ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिससे आप ढेर सारी प्रेरणा ले सकें और ये समझ सकें कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है, कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है. इसी सोच के साथ दीजिए हमें विदा. अगली बार फिर से मुलाकात होगी. देखते रहिए रूबरू. नमस्कार. हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें रूबरू@ साधना न्यूज़.net.